आज हमने करा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर, तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 81,79,250 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 48,268 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले 24 घंटे में 551 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,22,099 पहुंच गया है। उत्तराखंड में एक सप्ताह बाद कोरोना से 10 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, तो पिछले 24 घंटे में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 413 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 96 कोरोना मरीज मिले। वहीं रुद्रप्रयाग में 65, पौड़ी में 52, टिहरी में 45, हरिद्वार में 33, नैनीताल में 32, चमोली में 29, उत्तरकाशी में 20, उधमसिंह नगर में 17, बागेश्वर में 11, अल्मोड़ा में 9, पिथौरागढ़ में 3, चंपावत में 1 कोरोना का मामला सामने आया। वहीं प्रदेश में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, इसमें एम्स ऋषिकेश में 5, दून मेडिकल कॉलेज में 3, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 1, सेना अस्पताल में 1, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 2 मरीजों का इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़कर के 1,023 हो गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 62,328 हो गया। वहीं 56,923 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 3,883 केस एक्टिव हैं। अब तक 1,023 लोग की मौत हो गई। अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,851, बागेश्वर में 933, चमोली में 1,800, चंपावत में 1,141, देहरादून में 17,250, हरिद्वार में 10,998, नैनीताल में 7,329, पौड़ी गढ़वाल में 2,970, पिथौरागढ़ में 1,470, रुद्रप्रयाग में 1,279, वहीं टिहरी गढ़वाल में 3,107, उधमसिंह नगर में 9,480, उत्तरकाशी में 2,720। तो टोटल मामले 62,328 हो गए हैं। पड़ोसी की कबूलनामे से पुलवामा पर भद्दी राजनीति करने वालों के चेहरे बेनकाब। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के कबूलनामे से भद्दी राजनीति करने वालों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं। विपक्ष पर हमला कर पीएम ने कहा, जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग दुख में शामिल नहीं थे, वे पुलवामा हमले में भी स्वार्थ खोज रहे थे। करवा चौथ पर कोरोना का असर नहीं, 25% तक ज़्यादा कारोबार की उम्मीद। तो करवा चौथ पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल शुरू हो गई है। 4 नवंबर को मनाए जाने वाले इस पर्व पर कोरोना का खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। एहतियात संघ खोले कोचिंग सेंटर, त्योहारों में बरते सख्ती। तो प्रदेश सरकार ने एहतियातन के साथ प्रदेश के कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को अनुमति दे दी है। साथ ही उत्सवों और भीड़भाड़ वाले आयोजकों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती बरतने के आदेश भी दिए हैं। मुख्य सचिव ने प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को अनुमति दी। 1 अक्टूबर को अनलॉक 5 कि जो SOP जारी हुई थी, उसमें कहा गया था कि जिलाधिकारी 15 अक्टूबर से कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने पर निर्णय लेंगे। अब मुख्य सचिव ने इस आदेश पर स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेशों के तहत जारी की गई SOP का पालन करते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोले जाएँ। त्योहारों व भीड़भाड़ वाले आयोजकों में मास्क पहनने और हाथों को बार बार साबुन से धोने और सामाजिक दूरी के नियम का सख्ती से पालन करवाने की जिम्मेदारी भी जिलाधिकारियों की होगी। उत्तराखंड में भी सी प्लेन सेवा शुरू होगी। तो सी प्लेन जैसी सेवा जल्द ही उत्तराखंड में भी मिल सकती है। पंतनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर SK सिंह ने बताया कि सी प्लेन सेवा के लिए टिहरी को चिन्हित किया गया है। गुल्लर भोज डैम और नैनी झील भी इसके लिए उपयुक्त हैं। हाई कोर्ट के अहम फैसले, तो 1 सप्ताह के भीतर करें किसानों का भुगतान। तो हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि रबी और खरीफ की फसलें खरीदने के बाद 48 घंटों से लेकर 1 हफ्ते के भीतर किसानों का भुगतान किया जाए। डॉक्टर, नर्सों व अन्य स्टाफ की नियुक्ति करे सरकार। तो हाई कोर्ट ने कोविड अस्पताल और क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर के अलग अलग जनहित याचिका पर सुनवाई की। वहीं संरक्षित वन भूमि में खनन पट्टे पर जवाब भी मांगा है। पहले जेम्स बॉन्ड सॉन कॉनरी का निधन। तो ब्रिटिश एजेंट 007 जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले महान अभिनेता सॉन कॉनरी का शनिवार को निधन हो गया। जबरन धर्म परिवर्तन रोकने को लाएंगे कानून। तो CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्ती से अंकुश लगाएगी और एक कानून लेकर आएगी। राज्य स्थापना दिवस पर 2 तोहफे देगी सरकार। तो स्मार्ट राशन कार्ड और परिवहन सेवाएँ ऑनलाइन करने की घोषणा। तो प्रदेश सरकार राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को 2 बड़े तोहफे देने जा रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत स्मार्ट राशन कार्ड वितरण और परिवहन सेवाएं ऑनलाइन करने की घोषणा करेंगे। सरकार ने राज्य स्थापना समारोह की कार्य योजना बना ली है। मुख्यमंत्री आज शिक्षकों को देंगे डॉक्टर भक्त दर्शन पुरस्कार। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज शिक्षकों को डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार से पुरस्कृत करेंगे।
प्रदेश में 1200 से अधिक शिक्षकों की को तैनाती मिली, तो सहायक अध्यापक LTE से लेक्चर के पद पर प्रमोशन पाने वाले 1200 से अधिक शिक्षकों को विभिन्न स्कूलों में तैनाती दी गई। फूलों की घाटी शीतकाल को बंद, तो फूलों की घाटी शनिवार को दोपहर 12 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दी गई। इस बार वन विभाग को आपदा वर्ष 2013-14 के बाद सबसे कम राजस्व मिला। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी 1 अगस्त को खोली गई थी। 2 माह में 911 सैलानियों ने घाटी का दीदार किया। फ्रांस के चर्च में पादरी को गोली मारी, तो हाई अलर्ट घोषित और हमले की चेतावनी दी गई है। कोविड टीके का वादा आचार संहिता का उल्लंघन नहीं, तो निर्वाचन आयोग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रही भाजपा की घोषणा पत्र में कोरोना टीका मुफ्त देने का वादा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले की शिकायत पर जवाब देते हुए आयोग ने कहा कि इस मामले में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उत्पीड़न से घिरे स्कूल के शिक्षक ने दी जान, तो खबर है देहरादून से, जहां पर राजपुर क्षेत्र में छात्रों के उत्पीड़न के आरोपों से घिरे बौद्ध स्कूल के शिक्षक ने शनिवार शाम आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में शिक्षक ने छात्र उत्पीड़न के मामले में गुरुजी के बदनाम होने की बात कहकर फांसी लगाने की बात लिखी थी। देश में जल्द बढ़ सकती है जरूरी दवाओं की कीमत, तो दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाली API की कीमतों में बढ़ोतरी से एंटीबायोटिक समेत कई दवाओं की कीमत बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। कई दवा निर्माता कंपनियों ने दवाई की कीमत बढ़ाने के लिए नेशनल फार्माक्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को प्रस्ताव भेजा है। 18% दवाओं का उत्पादन उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में 300 के करीब दवा निर्माण यूनिट हैं। देश की जरूरत की 18% दवाएं उत्तराखंड में बनती हैं। सट्टे की रकम न देने पर मैकेनिकल की रॉड मारकर हत्या, तो प्रेमनगर पुलिस ने मैकेनिकल गंगाराम हत्याकांड का खुलासा कर दिया। गंगाराम की हत्या सट्टे में जीती 16,000 की रकम न देने पर हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास मृतक का मोबाइल, नकदी और घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद की है। शादी का झांसा देकर के दुष्कर्म, तो खबर है देहरादून से, जहां पर पटेल नगर क्षेत्र निवासी एक महिला ने व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर 4 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पटेल नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कुछ दिन और रुलाएगी आलू प्याज की महंगाई, तो नासिक में व्यापारियों की हड़ताल का असर अब आलू प्याज के दाम पर पड़ता दिख रहा है। थोक में बढ़ोतरी होने के बाद अब बाजार में आलू प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। DLED बेरोजगारों का निदेशालय पर प्रदर्शन, तो बेसिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के DLED प्रशिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। शनिवार को उनका धरना 34वें दिन में प्रवेश कर गया। मेरिनो भेड़ों को भाई उत्तराखंड की आबोहवा, तो ऑस्ट्रेलिया से आयात कर लाई गई मेरिनो भेड़ को उत्तराखंड की आबोहवा रास आने लगी है। हाल में लोकल प्रजातियों के साथ ब्रीडिंग से उनका कुनबा भी बढ़ने लगा है। राज्य में 31 हेड कांस्टेबल बने सब इंस्पेक्टर, तो पुलिस विभाग के 31 हेड कांस्टेबलों की पदोन्नति दी गई है। गलत कटान पर जहर गटका, तो खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे भेकिया छाना ब्लॉक में निर्माणाधीन मोटर मार्ग का सर्वे के तहत कटान नहीं होने से खपा पूर्व प्रधान ने जहर खा लिया। SJJ में PhD प्रवेश परीक्षा आज, तो सुमन सिंह जिला परिसर में आज विभिन्न विषयों के लिए PhD की प्रवेश परीक्षा होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। परीक्षा सुबह 11 से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। अल्मोड़ा कालीधार में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, एक की मौत, तो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ हाईवे में कालीधार के पास शनिवार सुबह एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। समग्र शिक्षा अभियान में 400 पदों पर भर्ती होगी, तो समग्र शिक्षा अभियान में करीब 400 विभिन्न पदों पर रोजगार का रास्ता खोलने जा रहा है। मुख्यालय से ब्लॉक स्तर के ये पद आउटसोर्स से भरे जाएंगे। तो उत्तराखंड में शैक्षिक सुधार के लिए सरकार ने 28 अक्टूबर को SSA और RMSA पर एकीकरण करते हुए समग्र शिक्षा अभियान का गठन किया। इसमें 1,959 पद मंजूर किए गए। इस पर ज़्यादातर पद प्रतिनियुक्ति के हैं, जबकि करीब 800 विभिन्न पदों पर आउटसोर्स से नियुक्तियां होनी है। इनमें अकाउंटेंट्स कम सपोर्टिंग स्टाफ के ही 362 पद हैं, जबकि रिसोर्स पर्सन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अभियंता के भी कई पद इस वक्त खाली हैं। माफिया के खिलाफ लड़ाई में सब एकजुट हों, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कड़े तेवर दिखाते हुए कहा कि वह उत्तराखंड को माफिया तंत्र से मुक्त कराने के लिए आखिरी सांस तक संकल्पबद्ध रहेंगे। उन्होंने माफिया के खिलाफ लड़ाई में उत्तराखंड वासियों से एकजुट होने का आह्वान किया है। तो शनिवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में परेड हुई।
तोता घाटी में बद्रीनाथ हाईवे क्षतिग्रस्त, आवाजाही ठप हो गई है। तो देवप्रयाग के तोता घाटी में ब्लास्टिंग से आए चट्टानी मलबे से राजमार्ग दो भागों में बट गया। एनएच टीम की ओर से यहां पर दोनों ओर मशीनें लगाकर दरारों को भरने का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन व पुलिस ने हाईवे बंद होने की स्थिति में श्रीनगर से ऋषिकेश की ओर जाने वाले वाहनों को चंबा व हिंडोखाल से होकर भेजा। वहीं खबर है कोटद्वार से पेड़ से टकराकर बाइक सवार की मौत। तो सने कालागढ़ मार्ग पर एक बाइक के अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पेड़ से टकराने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं कर्णप्रयाग से खबर है जहां पे गदेरे में गिरी 108 चालक सहित दो घायल हो गए। तो शनिवार सुबह करीब 6 बजे नैनीताल हाईवे पर सुभाष नगर के पास एक 108 एम्बुलेंस गदेरे में गिर गई। बद्रीनाथ धाम में गाड़ियों में रात बिता रहे तीर्थयात्री। तो कपाट बंद होने से ठीक पहले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से बद्रीनाथ में इंतजाम कम पड़ गए हैं। कोरोना के कारण धाम में सीमित संख्या में होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस खुले हैं, इसलिए सभी यात्रियों के रुकने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। शुक्रवार की रात तो कई श्रद्धालुओं को कड़ाके की सर्दी में अपने वाहनों में रात बितानी पड़ी। सोशल मीडिया पर मैसेज भेजने के आरोप में केस। तो विवाहित महिला को सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज भेजने व अवांछित उपहार भेजने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। उक्त संबंध में महिला के पति ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। पिथौरागढ़ में एनएच बंद रहने से यात्री परेशान। तो पिथौरागढ़ घाट एनएच में वाहनों की आवाजाही पूरे दिन ठप रही, जिससे यात्रियों को हल्द्वानी व दूसरे शहरों को जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। चंपावत से पिथौरागढ़ पहुंचने को नापनी होगी 103 किलोमीटर की दूरी। तो ऑल वेदर रोड के निर्माण के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग में अगले 12 दिन तक आवाजाही ठप रखने का निर्णय लिया है। इस वजह से चंपावत जिले के लोगों को पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए 103 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी होगी। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं। तो अपने जन्मदिन पर नारक जगाते हुए सियासी तापमान बढ़ा गए हरक सिंह। तो भवन वसा निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन से नाराज हरक सिंह ने अपने जन्मदिन पर चुप्पी तोड़ी, लेकिन साथ में सियासी तापमान भी बढ़ा गए। पिछले कुछ दिनों से हरक सिंह के बोल तक लें, लेकिन खुलकर भी वे कुछ नहीं बोल रहे हैं। शुक्रवार को हरक सिंह ने कहा कि बोर्ड के सचिव दमयंती रावत को सीएम, मंत्री, राज्य मंत्री या बोर्ड के अध्यक्ष भी नहीं हटा सकते। शनिवार को हरक ने एक कदम आगे बढ़ा दिया। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के बेरोजगारों का धरना जारी है। वहीं उक्रांत ने शिक्षक भर्ती में लगाया फर्जीवाड़े का आरोप। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। केंद्रीय प्रवक्ता सुनील ध्यानी व उक्रांत नेता शिवसेना शिव प्रसाद सेमवाल ने मीडिया में से वार्ता में कहा कि यूपी के प्राइवेट कॉलेजों में कई लोग फर्जी डिग्री लेकर उत्तराखंड में नौकरी कर रहे हैं। इन लोगों के पास उत्तराखंड और यूपी दोनों जगहों के स्थायी प्रमाण पत्र हैं। हरिद्वार में वायु प्रदूषण की निगरानी को खोलेगा स्टेशन। तो महाकुंभ में वाहनों का दबाव बढ़ने से वायु प्रदूषण और बढ़ने की आशंका है। बात करते देहरादून की खबरों की। तो उत्तराखंड में कल से स्कूल खोलने की तैयारियां पूरी। तो प्रदेश में कल से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोलने को लेकर के विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली। हालांकि राजधानी में निजी स्कूलों को लेकर के असमंजस बरकरार है। स्कूल संचालकों का कहना है कि अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में बेहद कम स्कूल खोलने की संभावना है। 6 से रात 9 बजे तक कॉन्वॉय सेवा। तो देहरादून रोड पर शुक्रवार को हाथियों का झुंड आने के बाद वन विभाग ने वाहनों के लिए कॉन्वॉय व्यवस्था शुरू कर दी है। देहरादून रोड पर वन विभाग की चेक पोस्ट से वीरपुर बड़कोट तक यह व्यवस्था शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगी। अशासकीय स्कूल खुलेंगे, भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल शर्मा के मुताबिक प्रदेश में कोरोना काल के चलते बोर्ड के बच्चों की परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे। 2 नवंबर से स्कूल खुलने पर परीक्षा फॉर्म भरवाए जाएंगे। सड़क हादसे में घायल छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो डालनवाला क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में घायल बाइक सवार एक छात्र की मौत हो गई। बाइक सवारों को शुक्रवार रात एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी।
फर्जी डिग्री धारकों ने मारा प्रशिक्षित बेरोजगारों का हक। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने बाहर राज्यों के फर्जी डिग्री धारकों पर प्रदेश में प्रशिक्षित बेरोजगारों के हक का डाका डालने का आरोप लगाया। दल का आरोप है कि साठगांठ के दम पर फर्जी डिग्री धारक शिक्षक बन बैठे हैं, जबकि प्रशिक्षित बेरोजगार नियुक्ति की मांग को लेकर के निदेशालय पर दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विवादों से घिरे स्कूल का शिक्षक फंदे पर लटका। तो तीन दिन से छुट्टी के लिए बच्चों की पिटाई के मामले में चर्चाओं में है स्कूल। शिक्षक ने अंग्रेजी में लिखे सुसाइड नोट और वॉइस रिकॉर्डिंग में वजह बताई है। वहीं खबर आई है, एक माह और चलेगा ऑपरेशन सत्य। तो ऑपरेशन सत्य की अवधि को अब एक माह और बढ़ाया गया है। अब तक इस ऑपरेशन के तहत 112 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वही खबर है देहरादून से, जहां पर शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, ज्वेलरी भी हड़पी गई है। तो एक तलाकशुदा महिला से शादी का झांसा देकर के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया और लाखों रुपए के जेवर व सामान भी हड़प लिया। पीड़ित महिला की शिकायत पर पटेल नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंपनी का लैपटॉप लेकर भागा कर्मचारी, मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं खबर है देहरादून के सीमा द्वार से, जहाँ पर ITBP इंस्पेक्टर के आवास का ताला तोड़ करके चोरी की गई है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन के पद रिक्त। तो 96 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट यहां पर दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन 16 नवंबर तक कर सकते हैं। वहीं प्रोजेक्ट ऑफिसर सहित कई पदों पर अवसर, तो 40 पदों पर भर्ती निकली हुई है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर कर सकते हैं। 30 नवंबर तक इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। आवेदन की तिथि बढ़ी, मौका हाथ से जाने ना दें। तो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 2254 पदों पर भर्ती निकली हुई है, अलग अलग पदों पर भर्ती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 14 नवंबर तक रखी गई है। कर्मचारी चयन आयोग SSC में वैकेंसी निकली हुई, तो 12वीं पास युवा जल्दी करें आवेदन। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन SSC.NIC पर जाकर कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 4 नवंबर रखी गई है। प्रकृति अध्यात्म ज्ञान की त्रिवेणी है फॉरेस्ट पार्क। तो घंटाघर से करीब 13 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच एक ऐसा पार्क है जिसमें एक बार घूमने वाला न केवल इसे महसूस करता है, बल्कि यहाँ के एक एक हिस्से को अपने दिल में बसा लेता है। बदलते मौसम में बढ़ रहे हैं सर्दी जुकाम और सांस संबंधी रोग। तो बदलते मौसम में सर्दी जुकाम और बुखार के मरीज भी बढ़ रहे हैं, सांस के मरीजों की संख्या ज़्यादा है। विभिन्न अस्पतालों में इसका असर भी नज़र आने लगा है। ऋषिकेश में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। तो तीर्थनगरी में साहसिक खेलों के शौकीन ने गंगा में राफ्टिंग का जमकर लुत्फ उठाया। विक्टर बनर्जी को फिल्म फेस्टिवल में मिला अवार्ड। तो अभिनेता विक्टर बनर्जी को ओंटारियो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कनाडा में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए सम्मानित किया गया। कुछ दिन पहले इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बोस्टन में भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। आधा व उज्जवल वाद विवाद में रहे विजेता। तो पुलिस मुख्यालय सभागार में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर COVID-19 विषय पर ऑनलाइन वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आधा और जसोला विजेता रही। कोडियाला के पास बद्रीनाथ हाईवे का 15 मीटर हिस्सा कटा। तो रोड कटिंग के दौरान टूटकर गिरा चट्टान का बड़ा हिस्सा, सड़क के नीचे दीवार ढह गई है। चिनूक ने धाम पहुंचाई 24 टन मशीनें। तो चिनूक हेलीकॉप्टर 4 दिन में 24 टन भारी मशीनों के पार्ट्स केदारनाथ पहुंचाने के बाद चंडीगढ़ लौट गया। बद्रीनाथ धाम में जमने लगा पाला। तो बद्रीनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है। रात के समय में यहां का तापमान 0 से नीचे पहुंच रहा है, जिससे धाम के नज़दीकी कई जगह पर पाला जमने लगा है। हंस अस्पताल के 16 कर्मचारी पॉजिटिव मिले हैं। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमित को किया आइसोलेट। पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी बंद कर दी गई। वहीं खबर है, चमोली जिले में संक्रमित बुजुर्ग की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। गुलदार पर नजर रखने को गांव में लगाया ट्रैप कैमरा। तो कोटद्वार नैनीडांग से खबर आई है, वहीं गुलदार ने एक और व्यक्ति पर हमला किया है। तो कोटद्वार से खबर है, जहां पे धुमाकोट में एक दुकान सुरेंद्र सिंह बिष्ट को गुलदार ने हमला कर घायल कर दिया। उत्तरकाशी खबर है, जहां पे हिमवीरों ने बुझाई जंगल की आग। तो देश की सरहदों की सुरक्षा में तैनात ITBP के जवान जंगल की आग बुझाने में जुटे हैं।
बद्रीनाथ में अब तक पहुंचे 1 लाख यात्री, तो बद्रीनाथ धाम में इस यात्रा सीजन में यात्रियों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। धाम में अब तक 1,160,000 यात्री पहुंच चुके हैं। वहीं केदारनाथ धाम में 90,000 से अधिक यात्री पहुंचे हैं। जिला जज आवास तक पहुंचा हाथी, तोड़फोड़ की गई है। तो हरिद्वार से खबर है जहां पे वन विभाग और राजाजी पार्क में कर्मचारियों ने हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ा। हरिद्वार के 4 शिक्षक हुए पुरस्कृत। लॉकडाउन अवधि में ऑनलाइन एवं नवाचार शिक्षण कार्य के लिए उत्तराखंड के 5 शिक्षकों को 1,00,000 रुपये का पुरस्कार मिला। इनमें 4 शिक्षक हरिद्वार जिले के हैं। युवती की शादी रोकने की लगाई गुहार, तो पथरी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने एसएसपी को पत्र लिखकर गांव की ही एक युवती की शादी रोकने की मांग की है, जिसमें बताया कि 5 साल से उसके पुत्र का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे से शादी के लिए तैयार भी थे, लेकिन युवती के परिजन शादी के पक्ष में नहीं थे, जिस पर दोनों ने त्रिदेव सनातन धर्म प्रचार समिति हरियाणा में जाकर विवाह कर लिया था। लेकिन युवती के परिजन ने उसकी आयु कम बताते हुए उसके बेटे पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा दिया। युवती की शादी उसके बेटे से होने के बाद भी उसके परिजन दोबारा उसकी शादी करना चाहते हैं, महिला ने एसएसपी से गुहार लगाते हुए पूरे मामले की जांच के साथ युवती की शादी रुकवाने की मांग की है। वहीं खबर है गंगा नहर पर एक महीने में ही बनाए 130 मीटर लंबा पुल। तो हरिद्वार में 2021 में महाकुंभ को देखते हुए हाईवे चौड़ीकरण और कुंभ के कार्य बेहद तेजी से चल रहे हैं। निर्माण कार्यों का रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने करीब एक महीने के भीतर गंग नहर के ऊपर 130 मीटर लंबा पुल बनाकर तैयार कर दिया है। वहीं हरिद्वार जिले में भी कल से खुलेंगे स्कूल। धूमधाम से मनाया गया वाल्मीकि जन्मोत्सव, तो हवन पूजन का हुआ आयोजन। कोरोना के खात्मे की प्रार्थना की गई। राज्य सीमा पर चलेगा सघन चेकिंग अभियान, तो त्योहारी सीजन में मिलावटी सामान की बिक्री पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की, तो सरकारी विद्यालय कल से खुलेंगे, निजी पर असमंजस बना हुआ है। तो शिक्षा विभाग ने बनाई विभागीय अधिकारियों की टीमें, रखेंगी निगाह। ऊंचाई वाले इलाकों में गिर सकती है बर्फ, तो क्षेत्र में दिन भर धूप खिली रही, लेकिन सुबह और शाम ठंड में इजाफा होने लगा। शनिवार को अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम 12.6 रहा। मुक्तेश्वर का दिन का तापमान 1 डिग्री बढ़कर 19.1 रहा और न्यूनतम 10.5 रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। स्क्रब टाइफस की जांच बंद हो गई है, तो कुमाऊं के सबसे बड़े डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में स्क्रब टाइफस की जांच बंद हो गई। ऐसे में मरीजों को निजी लैब में महंगे दामों पर जांच कराना पड़ रहा है। वही खबर है यह रामनगर से, जहां पे फरार वाहन चालक हत्थे चढ़ा है, तो दूध व्यवसायी से 3 लाख रुपए लेकर फरार वाहन चालक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बेटे को रेता चुराते पकड़ा, तो पिता ने वर्दी फाड़ी। तो गश्त के दौरान दो वन कर्मियों ने शनिवार रात एक युवक को स्कूटर से रेता चुराते हुए पकड़ा। युवक के पिता ने मौके पर पहुंचकर वन कर्मियों के साथ अभद्रता की और युवक को जबरन छुड़ाकर ले गए। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है रामनगर नैनीताल से, जहां पे किशोरी से दुष्कर्म हुआ है, तो मालधन क्षेत्र निवासी एक किशोरी को बेला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक पर पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। एसएसआई जयपाल सिंह चौहान ने बताया कि मालधन निवासी महिला ने बताया कि 27 अक्टूबर को ग्राम कुंडा जिला उधमसिंह नगर निवासी वसीम उसकी बेटी को घर से बेला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर पर वसीम के खिलाफ पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर काशीपुर से गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है हल्द्वानी से, जहां पे दिया आश्वासन, अगले सप्ताह लगेगा शनि बाजार। खबर है नैनीताल से, जहां पे खाई में गिरी कार पेड़ पर अटकी, तो मल्लीताल स्थित हंस निवास क्षेत्र में शनिवार शाम पॉलिटेक्निक की ओर जा रही कार सड़क से गिरकर पहाड़ी के एक पेड़ पर अटक गई। हादसे में कार सवार दोनों लोग घायल हो गए।
वही खबर आई है हल्द्वानी से, जहाँ पे करवा चौथ के लिए सज गए बाजार, तो ब्यूटी पार्लर में विशेष ऑफर है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो जिला अस्पताल से फरार हुआ विचाराधीन बंदी, तो जिला अस्पताल से कोविड 19 के उपचार के लिए भर्ती एक विचाराधीन बंदी फरार हो गया। सात को चंपावत आ सकते हैं मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 7 नवंबर को चंपावत जिले का दौरा कर सकते हैं। NH चौड़ीकरण कार्य तेज हो गया है, तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे कार्यदायी संस्थानों ने 12 मासी सड़क पर बढ़ाए मशीन और मजदूर आदि जरूरी संसाधन। टनकपुर से रेल सेवा बंद पर आरक्षण शुरू हुआ है, तो कोरोना महामारी के चलते 8 माह बंद रेल सेवा का टनकपुर से संचालन कब शुरू होगा यह अभी तक तय नहीं है, लेकिन रेलवे ने टनकपुर रेलवे स्टेशन से आरक्षण की सुविधा खोल दी है। भोजन व्यवस्था बंद, आपदा पीड़ितों में गुस्सा, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पे बंगा पानी और बरम के सरकारी भवनों में रह रहे आपदा प्रभावितों के लिए प्रशासन की ओर से की जा रही भोजन की व्यवस्था बंद कर दी गई है। टनकपुर से खबर है, जहाँ पर राष्ट्रीय एकता को 30 धावकों ने लगाई दौड़, तो टनकपुर में भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रिले रेस का आयोजन किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 7 को है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा 7 नवंबर को होगी। पूर्णगिरी महोत्सव के अंतिम दिन निकली डोला रथ यात्रा, तो खबर है चंपावत से, सादगी से मनाई गई महर्षि वाल्मीकि जयंती, तो चंपावत से खबर आई है। इस बार नहीं होगा मुवानी महोत्सव, तो थल से खबर, जहाँ पर मुवानी महोत्सव समिति की वार्षिक आम बैठक हुई, इसमें कोरोना महामारी के चलते इस बार मुवानी महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो सियासी रंजिश से हुई थी पार्षद धामी की हत्या, एक शूटर गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस ने भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी हत्याकांड का 19 दिन बाद खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार राजनीतिक भविष्य और वर्चस्व संकट के चलते हिस्ट्री सीटर रहे पूर्व सभासद ने अपने भाई के साथ मिलकर 4 लाख रुपये सुपारी देकर अंतर्राज्यीय शूटरों से पार्षद की हत्या कराई थी। एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, मुख्य साजिशकर्ता समेत 6 बदमाश अभी फरार हैं। पुलिस कर्मियों पर फायरिंग करने वाले दोपी दबोचे गए हैं, एक फरार है, तो गदरपुर से खबर है, जहां पे पुलिस कर्मियों पर गश्त के दौरान फायरिंग करने वाले के मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर है ये नानक मता से, जहां पे स्मैक तस्करी करते किशोर को पकड़ा गया है। फर्नीचर की दुकान गोदाम में धधकी आग, तो रुद्रपुर से खबर है, जहां के दमकल विभाग की गाड़ी ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लाखों का नुकसान हुआ है। टायर फटने से पलटी पिकअप बाइक से टकराई, पिता और पुत्र की मौत हो गई, तो बाजपुर से खबर है, जहां पे राज्य सीमा पर यूपी क्षेत्र रामपुर रोड पर टायर फटने से सब्जी से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर के एक बाइक सवार से टकराते हुए सड़क किनारे जाकर पलट गई, हादसे में बाइक सवार पिता और बेटे की मौत हो गई। वही खबर है रुद्रपुर से, जहां पे युवती पर अभद्र टिप्पणी कर भागे मनचले को पीटा, तो जिला न्याय गेट पर के सामने सड़क पर खड़ी एक युवती पर अभद्र टिप्पणी करना बाइक सवार एक मनचले को महंगा पड़ गया। युवती के भाइयों ने कार से पीछा कर बाइक सवार को CMO कार्यालय के पास पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। बोर जलाशय में फिर आई बाहर, तो कोरोना काल में गुलजार, बोर जलाशय में ठप पड़ी पर्यटन गतिविधियां पटरी पर लौट गई हैं। होप पोर्टल में 1800 बच्चों और बुजुर्गों का कर दिया पंजीकरण, सिर्फ 10% लोगों को ही स्वरोजगार और नौकरी मिली है।